What is given to you? The base of a triangular wall. एक triangular wall है उसका जो base है वो है seven times its height. वो उसकी height से seven times है And if the cost of painting the wall, अगर आप wall को पेंट करोगे और उसकी जो cost आ रही है वो है थ्री फिफ्टी पर हंड्रेड स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है रुपीज वन टू टू फाइव। ओके इससे आप ये समझ सकते हो फॉर कि मैंने, मैंने खर्च किए हैं तो मेरे पास टोटल ऑरेंजेस होंगे आप यू निकाल सकते हो अगर वन रुपीज में टू ऑरेंजेस आते हैं और टोटल मैंने टेन रुपीज का ऑरेंजेस लिए तो मैंने टेन रुपीज के ट्वेंटी लिए होंगे यू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस

एक ट्राइंगल का जो बेस है सपोज इफ दिस इज अ ट्राइंगल ठीक है दिस इज अ ट्राइंगल सपोज ठीक है इस ट्राइंगल का जो बेस है ओके okay, इस तरीके से एक आपको ट्राइंगल दिया है ठीक है सपोज दिस इज द ट्राइंगल ओके okay, सपोज दिस इज द ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का जो बेस है ठीक है इट इज सेवन टाइम्स ऑफ इट्स हाइट तो आप अगर हाइट को अगर ये हाइट है अगर आप हाइट को एच ले लेते हो तो जो बेस हो जाएगा इसका दैट दैट विल विल बी बी टाइम्स ठीक है अब आपको बेस ही तो निकालना है दिस सेवन एंच इसका मतलब आपको पहले एच चाहिए तभी तो आप सेवन इंच निकालोगे एज यू नो द एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट नाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है सेवन एच इंटू हाइट कितनी है एच ओके okay. तो हाफ इंटू सेवन एच इंटू एच आ गया लेकिन ऐसे में एच कैसा आएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल तो है ही नहीं अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड तो जब थ्री फिफ्टी रुपीज में हंड्रेड स्क्वायर मीटर हो रहा है ठीक है तो मैं अगले लाइन से क्या लिखूंगा बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में थ्री फिफ्टी रुपीज में कितना पेंट हो रहा है हंड्रेड मीटर स्क्वायर ओके तो पूरा खर्चा कितना आया है वन टू टू फाइव तो वन टू टू फाइव रुपीज में कितना एरिया पेंट होगा मोर एरिया उसका क्या फॉर्मूला बनेगा मोर बाय लेस इनटू इंडिविजुअल वैल्यू इन टू इंडिविजुअल वैल्यू ठीक है तो दोनों में मोर क्या है मोर इज वन टू टू फाइव अपॉन लेस इज थ्री फिफ्टी इन टू इंडिविजुअल स्क्वायर ओके आंसर विल कम इन मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया निकाल देना टोटल तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल ओके इसको आप आ, इसको फाइव से कैंसिल कर सकते हो फाइव सेवन जा ओके फाइव टू ज़ा टेन फाइव फोर जा ट्वेंटी एंड फाइव फाइव जा ठीक है सो टू फोर्टी फाइव अपॉन सेवन इसको मैं सेवन से काटने की कोशिश करता हूँ, तो सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन एंड सेवन फाइव ज थर्टी फाइव तो जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है थ्री फिफ्टी मीटर स्क्वायर इज द एरिया और उस एरिया को अगर मैं फॉर्मूले में देखूंगा हाफ इंटू बेस बेस था सेवन एच इंटू हाइट एच इज इक्वल टू ठीक है इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी तो यहाँ से एच स्क्वायर विल बी थ्री फिफ्टी इंटू टू अपॉन सेवन ठीक है तो सेवन फिफ्टी टाइम्स एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू हंड्रेड और हाइट कितनी आ जाएगी हंड्रेड का रूट रूट ऑफ हंड्रेड इजिकल टू टेन हाइट कितनी आगे टेन मीटर्स तो बेस कितनी है बेस तो हाइट का सेवन टाइम्स है बेस इक्वल टू सेवन इंटू इज इक्वल टू सेवन इंटू टेन इज इक्वल टू सेवेंटी मीटर्स सो सिंपल ठीक है वेरी इजी तो इसमें यूनिटरी मेथड का भी यूज है और एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का भी यूज है ठीक है तो इसलिए यूनिटरी मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा था कि यूनिटरी मेथड को हम एज अ वेपन यूज करेंगे आगे एज अ टूल यूज करेंगे आगे ओके